स्टार्ट की तरफ चलते हैं गाइस। चलो पहला प्री फाइनल आज का हो गया है स्टार्ट। जी गाइस बेस्ट ऑफ 3 यहां पे। मेरे को भी ये लग रहा है उसकी रेंज कहीं ना कहीं बेटर है। हां इसकी रेंज भी कम पड़ जाती है और डैमेज भी कम जाता है। और देखते हैं यहां पे मैड मैक्स कैसा गेम करेंगे। एंग्री तैयार है पैरा एंग्री। ओह हां प्रेशर पूरा बनाया। अरे भैया पहले राउंड से ही सफर इसके लिए। कैसे कैसे प्लेयर उनको मिले टूर्नामेंट में। कोई स्पीड वाला, कोई नूक बॉल वाला, कोई मूवमेंट वाला, कोई एक्यूरेसी वाला। अरे भाई बैठे रह गए कहीं ना कहीं। आज आधा सिस्टम लेके बैठे हैं एक दूसरे का। चलो भैया देखते हैं क्या होगा इस राउंड में। तीसरे राउंड की फाइट स्कोर बराबरी का यहाँ पे 1-1। प्री फाइनल का ये मैच यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में जाने की ये लड़ाई। जो जीतेगा मिलेगा उसको टिकट। क्या वो एंग्री होंगे, क्या वो फिर बैड मैच अपने सिस्टम के साथ होंगे। देखते हैं क्या होगा इस मैच में। टैच आर्टिकल के साथ मैड मैक्स इस बार एंग्री को रस करा रहे और एक क्लीन शॉट था। ये क्लीन शॉट थे लगातार दो और एंग्री ने नहीं छोड़ा। एंग्री ने मौके का फायदा उठा लिया। जो कहीं ना कहीं कैसे बच्चे हैं बंदे यहाँ पे आए हैं निकल निकल के बहुत आ रहे लगातार रन करके खेल रहे हैं। पूरा डिफेंसिव अप्रोच के साथ मारे भाई ये तगड़ा हेड था। यही बात यही करना पड़ेगा। देखो राउंड भी बाहर हो गए कहीं ना कहीं। इस बार कमबैक करा है मैड मैक्स ने तगड़ा वाला। देखते इस बार दो दो की फाइट। भाई साहब उम्मीद ना थी कि इतना तगड़ा बैटल चलेगा ये भी यार। दो दो और रे भाई तो भैया कुछ समझ ही नहीं आ गया हो क्या गया। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। विकेट लगा रहे मैड मैक्स पे क्योंकि एंग्री एक साथ कुछ जाते पता नहीं चलता है। हमने जैसे बोला दो राउंड के बाद दो राउंड से देख रहे हैं शॉटगन वही। अब पूरे टूर्नामेंट इसने शॉटगन ही चलाई है। और रे भाई एंग्री नहीं दे रहा बिल्कुल भरोसा नहीं है भैया इस बार। देखते हैं मैड मैक्स का कमबैक होगा क्या एंग्री के अगेंस्ट में। एंग्री लगातार पुश दे रहे हैं यहां पे दो शॉट के साथ, दो दो गोलियों के साथ यहां पे। मैड मैक्स का एक सिंगल हेडशॉट बैक ऑफ लेते हुए मैड मैक्स एक और राउंड निकलेगा। अरे ट्राई किया फिर से ट्राई। अरे नहीं दोनों ने एक दूसरे को हेडशॉट क्या। क्या करेंगे इस राउंड में। तैयार फिर से दो शॉट के साथ एंग्री का लगातार रस। ओहो कनेक्ट कर ही देते बच गए। यहाँ पे मैड मैक्स के लिए आसान नहीं होने वाला आज बैटल। टफ मैच और आज तक नॉनस्टॉप ये कभी भिड़े भी नहीं है हमने सामने पता है इसी सीजन में खेल रहे हैं। हाँ आज तक नींद का मैच हुआ इसी सीजन में खेल रहे हैं हमने सामने। कभी लाइफ पे खेले ही नहीं ना आपकी लाइफ पे इनका मैच हो ना मेरी पे। और यहाँ पे मौका आ रहे यार मैड मैक्स कहीं ना कहीं जज नहीं कर पा रहे हैं एंग्री का गेम। हाँ एंग्री को ये पकड़ी नहीं पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। बट अभी ऐसा रहता है ना कि जैसे बाकी करने के लिए तो बहुत फ्री फ्री सा लगता है वो फ्रीली खेल रहे हैं। और मैड मैक्स की डायजेटिकल काफी अच्छी है बाकी बंदों को देखे तो। अरे भाई ये बात तो है मैड मैक्स की डायजेटिकल और एंग्री का भी एक रफ। अरे भाई वो उधर पंच मार के चला गया भी हेडशॉट मार दिया तुरंत ही।
चलो देखते हैं यहाँ पे 10वें राउंड में मैड मैक्स का क्या कमबैक होने वाला है। लेट्स सी मैड मैक्स। छाती मारे भाई फिर से लेट यार। एंग्री ने तो भाई शॉट लेने से पहले ही पेल दिया। कहीं ना कहीं मैड मैक्स जज नहीं कर पाया। ये एंग्री का सीक्रेट मेरे को लग रहा है सीक्रेट ही रह जाएगा। मैं करता क्या है ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये करता क्या है बार बार गेम से आता है जाता है आता है जाता है। चलिए भैया देख लेते हैं प्रीमियम चीज है इसके पास। एक प्रीमियम भी अपनी गिल्ड में सेकंड में एनजी प्रीमियम मारे भाई क्या मारा बार फिर भाई पता ही नहीं चलने दिया कि कब निकल गया कब उसने हेड मार दिया। अपने को है तैयार इस मैच में और ये आमने सामने फिर से। अरे भाई अरे भाई ये क्या शॉट था यार। ये तो कुछ अलग ही था भाई। हाँ 200 बाकी है गाइस जल्दी जल्दी जिसने भी नहीं किया है भाई लोग दबा दो। अरे किसने मार दिया एंग्री ने दे मारा भैया बहुत गलत। अरे बचे क्या होने वाला है इस राउंड में जो धीमे धीमे छोटा हो रहा है। करवटे बदलता हुआ जोन यहाँ पे इस बार छोटा हो रहा है। इस बार काफी लंबी फाइट चल रही है इन तीनों से भाई। और ये आमने सामने फिर से बॉल भाई पूरा प्रेशर उसमें बना के रखा है मैड मैक्स को ऐसा लग रहा है। मेरी तो बॉल भी नहीं लगा रहा देखा वही। और यहाँ पे मैड मैक्स का हेडशॉट अगर यहाँ पे 3 सेकंड का नॉस्टो भाई ग्लू बॉल के पीछे डिले तो फिर पॉइंट एंग्री की साइड वो शॉट हाथों में। यहाँ पे हेडशॉट निकलेगा इस बार मैड मैक्स का देखते हैं। रस मारा है मैड मैक्स ने स्टार्टिंग में बंदा। अरे यार ये कहीं ना कहीं इजी था बंदा जंप करके निकल रहा था वही ऐसे मौके भाई छोड़ देने नहीं है क्योंकि एंग्री तो ऐसे हेडशॉट लगा जहाँ पे लग रहा है ना इम्पोसिबल है भाई कितनी ज्यादा रेंज थी यहाँ पे यार। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है एंग्री लेके जाएगा बट मैड मैक्स को निकालना चाहिए। चलो भैया देख लेते हैं क्या होगा। और एंग्री लगातार अरे भैया कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस हिसाब से एंग्री खेल रहा है ना लग ही नहीं रहा है कि वो किसी भी मौके पे ऐसा प्रेशर में है हार मानने के लिए तैयार है। पूरा एग्रेसिव खेल रहा है पूरा रस के साथ डर है ही नहीं हारने का यहाँ पे और उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं एंग्री यहाँ पे मैड मैक्स के थोड़े से डर करते मैड मैक्स का वो लाइक गेम प्ले जो रहता है ना एक एग्रेशन के साथ वो नहीं दिख रहा है जो एंग्री दिखा रहे हैं लगातार। आर या पार मैड मैक्स एंग्री टू बॉल के घेरे में और एंग्री शॉट और रिप भाई ये कहां से कूद के कैसे बॉल के ऊपर से क्योंकि मैड मैक्स को तो पोजीशन का पता ही नहीं चल रहा ना एंग्री है कहां। मैड इतना गुड फिगर भी नहीं उठाई इन्होंने। मैड मैक्स की स्ट्रेंथ ज्यादातर डैडर्स ईगल गुड फिगर ये है से ना खेले तो दिक्कत हो जाती है। और इस बार पूरा फुल फ्री स्टाइल गेम दोस्तों भाई रफ्तार से खेल रहे हैं इस बार देखते हैं एंग्री क्या करेंगे इस राउंड में। अरे भैया मैड मैक्स इस बार नहीं छोड़ने वाले लग रहा है। अरे भैया जी ये क्या आने वाला है बाउंडर बाउंडर की तैयारी हो रही है के अरे डोंट नोट आने वाला है। अरे भाई अरे यार क्या मारे भाई ये क्या शॉट था ये तो मतलब बाउंडर के अंदर घुस के मारा है एक साथ ग्लू वॉल के अंदर भाई वो ही नहीं लगा रहा है बस बंदा बंदे पे रश 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 उतना बस क्योंकि पता है मैड मैक्स मेरे लिए ग्लू वॉल लगा देता है इतनी मैड मैक्स इतनी ग्लू वॉल लगा दे रहे हैं जरूरत ही नहीं। इस बंदे ने कहीं ना कहीं प्रूव भी कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम 1v1 में सिर्फ होल्ड करके या और तरीके से खेलोगे तभी जीतोगे रश करके भी तुम। हाँ भाई ये बात है एंग्री का गेम ऐसा है कि फुल रश का गेम या तो मरेगा या मारेगा बंदा बंदों के गेम कोई फ्री स्टाइल कोई एक्यूरेसी इसलिए मैं इसको पता है रसर गॉड बोलता हूँ क्योंकि इसके जैसा रस कोई करता ही नहीं है करता ही नहीं है देखता ही नहीं भाई ऐसा और वो भी इतने बड़े मैचेस में यार उम्मीद है कि कमबैक करे मैड मैक्स यहाँ पे मैच में क्या करेंगे मैड मैक्स यहाँ पे। अरे रे 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 फाइट फिर से क्लोज आ रहे नहीं मैड मैक्स के शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं क्या हेलमेट भाई हेलमेट तो उड़ा ही देता है कैसे फाइट मैड मैक्स को नहीं बॉडी कनेक्ट कर रहे हैं एंग्री को देखते हैं फिर से। अरे भैया जी एंग्री तो इसके अंदर घुस जाता है यार भैया जी अरे भाई पांच दो यहाँ पे
अच्छा तो होगा। जी हाँ, फिर से साइड से मारा भाई, फिर से साइड से मारा। मैड मैक्स भाई सच में यही डिफरेंस है कि मैड मैक्स को ये नहीं पता चल रहा है, पर जैसे मैड मैक्स का गेम है तेज है, पर रेड का स्लो है काफी, पर वो डिफेंस करके खेलता है पीछे करके, पर तीनों खेलते इसी बंडल में। हाँ तीनों इसी बंडल में खेले, तभी तो मैंने राइट में ये बंडल लगवाया भाई साहब। एंग्री ने बंडल फेमस कर दिया है कहीं ना कहीं, जैसे जेरोक्स का बंडल पहन के खेलते थे ना एक टाइम पे बहुत ज्यादा बंदे, बहुत ज्यादा। अब ये वाले के एंग्री का, एंग्री का काफी टाइम से देख रहे हैं बंडल को, ऐड एक और एंग्री का, क्योंकि जेरोक्स वाले बंडल को निकालने के लिए दम भी चाहिए और रेयर था थोड़ा सा, पर ये वाला तो ले देता है, राइट में जाता है उधर पहुंच जाता है उधर से उधर, और इस ग्राउंड में एंग्री कहीं ना कहीं हेडशॉट ही ढूंढ पा रहे हैं। अरे मैड मैक्स ने मौका बनाया है, एक और क्राउच हेड लगाया है, लोड करके फिर से निकले यहाँ पे, एंग्री लगातार पुश डाल रहे हैं मैड मैक्स के ऊपर, और रे पंच को, यहाँ पर कभी भी मैच खत्म हो सकता है मैड मैक्स, और रे नहीं भाई, भाई भाई बाल बाल बच रहे हैं भाई, बहुत क्लोज जा रहा है बैटर, तो ऐसा घुस रहा है भाई बिग फॉर्म। अरे कम बैक हेड शॉट मारा एंग्री ने भी था, जोन मातु नहीं मार रहे हैं ना, एंग्री आराम से राउंड निकाल लेते जोन मातु मार के, एक बॉडी शॉट मार के खत्म। ये अच्छी चीज दिखती है, मतलब प्रॉपर हेड के लोग गेंटले के लिए खेले, चलिए देखते हैं यहाँ पे मैड मैक्स के पास मौका है अभी भी 6-5 करने का, शॉट नहीं बॉडी कनेक्ट किया है। अरे फिर से अरे जून में लिमिट हो गया, अरे इस बार तो खुद ही फंस गए, इस बार नहीं कहेंगे तो, और पहले फाइनलिस्ट हमको मिल गए एंजी एंग्री, एंग्री के लिए बहुत सारी बधाइयां हमारी तरफ।